कद छोटा है जनाब, हौसला छोटा नहीं, ये कर्म है जनाब कोई ढोंग नहीं। जी हाँ, छोटे कद का मजाक उड़ाने वालों को आज ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। रेड कारपेट पर जब ये छोटे कद के कर्नाटक के रहने वाले पैरा एथलीट के वाई वेंकटेश चले तो दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। वेंकटेश जब मंच पर पहुंचे तो राष्ट्रपति ने देखा कि वेंकटेश की छोटी हाइट के चलते दोनों के बीच फासला ज्यादा है, तो उन्होंने वेंकटेश से कहा कि वे सीढ़ियों से नीचे उतरे ताकि वो दोनों बराबर के सतह पर आ सके। इसके बाद वेंकटेश नीचे उतरे, राष्ट्रपति भी मंच से नीचे आए और उन्हें पद्मश्री का बैच पहनाया। ये नजारा देख हॉल गूंज उठा। के वाई वेंकटेश 4 फीट के एथलीट हैं। के वाई वेंकटेश 4th वर्ल्ड डॉफ गेम्स में 6 पदक जीतकर 2005 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। एक समय ऐसा था जब वेंकटेश एकोट्रोप्लासिया नाम की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें शारीरिक विकास में बाधा डालने वाली एक बीमारी हो गई। इस बीमारी से ग्रसित होकर वे 4 फीट 2 इंच पर आकर रुक गए, लेकिन उन्होंने ना बीमारी के आगे घुटने टेके और ना ही समाज के सामने, और एक बेहतरीन पैरा एथलीट बन गए। के वाई वेंकटेश ने अपना करियर 1994 में शुरू किया, जब उन्होंने बर्लिन जर्मनी में पहली अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति एथलेटिक्स विश्व चैंपियन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और अब वह सेवानिवृत्त है और कर्नाटक पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस तस्वीर ने दिखा दिया कि हौसला क्या होता है। इस तस्वीर ने दिखा दिया छोटा कद नहीं बल्कि हौसला चाहिए। और इस तस्वीर ने बता दिया कि देश हौसलों का सलाम करता है, छोटे कद को नहीं। और इस तस्वीर ने ये भी बता दिया जो इन जैसे ऐसे छोटे कद वालों का हौसला तोड़ते हैं, उनको देखकर हंसी ठिठोली करते हैं, आज ये तस्वीर उन तमाम लोगों के चेहरे पर तमाचा है।